द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 3 किलोमीटर। चलो एक पहले फिगर से समझते हैं, ये बना लिया वो ध्यान दो, जो नहीं बनाया वो भी ध्यान दो, लिखना बंद करो। दो स्टेशन हम ए और बी मान लेते हैं स्टेशन, ठीक है, मतलब कोई भी स्टेशन हो सकता है भाई। तो इसका डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर। अब कह रहे हैं कि दो मोटरसाइकिल जो है एक ही साथ स्टार्ट हो रही है स्टेशन ए और स्टेशन बी से, जिसमें से कि ए का जो स्पीड है दूसरे वाले के स्पीड से 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा अधिक है। तो इसका अगर स्पीड हम एक्स मानेंगे, चाहे इसका भी एक्स मानो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका स्पीड मान लेते कितना, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो ए वाले का स्पीड कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 7 किलोमीटर पर आवर, हो गया ना, यहां तक क्लियर है। अब कह रहा है मोर देन द अदर्स, अब कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देम आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद उनके बीच का डिस्टेंस अगर 34 किलोमीटर बच जाता है, यानी हो सकता है कि यहां से यह चला है यहां पे इस स्पीड से, ठीक है, ये कुछ ज्यादा दूर तक जाएगा ना, क्योंकि और ये चला लगभग यहां से यहां तक, तो अब इनके बीच का ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया जी, 34 किलोमीटर बच गया है ना। तो ये कितने समय बाद हो रहा है, 2 घंटे बाद ना, तो हम ये निकाल रहे हैं कि 2 घंटे बाद ये कितना दूर गया और ये 2 घंटे बाद ये कितना दूर गया, ओके okay? और उसके बाद ये बी के द्वारा तय की गई दूरी, ए के द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई बी और प्लस 34, टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, 300 यही ना होगा। चलिए फॉर वन लेट द स्पीड ऑफ बी कितना, एक्स किलोमीटर पर आवर, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी, ए का स्पीड x plus 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर मोर है, तो क्या हो जाएगा x plus 7 किलोमीटर पर आवर है ना। तो अगर हम b के लिए, तो इसलिए डिस्टेंस आफ्टर 2 आवर्स, ये कह रहा है 2 घंटे बाद उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आफ्टर 2 आवर्स डिस्टेंस कवर्ड बाय a कितना हो जाएगा जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है ए के लिए, 2 कवर्ड बाय ए कितना हो जाएगा, 2x। अरे भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो ए के लिए डिस्टेंस कितना है, सॉरी डिस्टेंस स्पीड कितना है, x प्लस 7 इनटू 2 चाल बुढ़े समय 2x प्लस इसको रहने दो ऐसे ही, एंड आल्सो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रहने दो भाई, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, x के द्वारा तय की गई दूरी, तो वो उसके स्पीड कितनी है x और समय कितना, 2 घंटे ना, यस सर 2x x into 2 यानी कितना हो जाएगा, 2x हो गया। अब a इतना दूर जाएगा, b इतना दूर जा रहा है, अब उनके बीच का डिस्टेंस कितना बचा हुआ है, 34 आफ्टर 2 आवर्स डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, 34 किलोमीटर अब देखिए, ये ए जो है 2 घंटे में यहां तक गया, बी जो है 2 घंटे में यहां तक गया, यानी ए यहां पे कितना दूर तय किया, एक्स प्लस 7 इंटू 2 और ये कितना आया, 2x आया ना। तो ये दूरी और ये दूरी B के द्वारा तय की गई दूरी और A के द्वारा तय की गई दूरी और बीच का डिस्टेंस 34, तीनों को जब जोड़ेंगे तो वही ना 300 किलोमीटर के आसपास आएगा, आसपास क्या वही होगा, वही होगा। तो क्या करेंगे, इसलिए x plus 7 according to question 2x x plus 7 into 2 total distance traveled by कितना दिया है जी, 300 किलोमीटर, और यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए के द्वारा तय की गई दूरी, बी के द्वारा तय की डिस्टेंस ट्रेवल कवर्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, बीच में क्या 34 है ना, तो उसको लास्ट में ऐड कर देंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी प्लस 34 इक्वल टू
300 किलोमीटर होगा। तो इसके द्वारा ए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है जी? x प्लस सेवन इनटू टू इनटू टू प्लस टू एक्स इक्वल टू 300 सर प्लस 34 सर प्लस 34 भी तो है यहाँ पे प्लस 34 इक्वल टू 300 किलोमीटर। तो यहाँ से 2x plus 14 प्लस 2x प्लस 34 इक्वल टू 300 यस सर ये हो जाएगा 4x 2x और 2x 4x plus 34 और 14 कितना है 48 इक्वल टू 300 तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 माइनस 48 300 माइनस 48 ये 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 252 देन x इक्वल टू x इक्वल टू 252 by 4 यानी 63 x इक्वल टू 63 किलोमीटर पर 63 किलोमीटर पर आवर पर अभी x इसलिए x किसको माने थे हम जी b का स्पीड का इसलिए स्पीड ऑफ b b इक्वल टू कितना हो गया x किलोमीटर पर आवर यानी 63 किलोमीटर 63 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ b a कितना हो जाएगा 70 x प्लस 7 यानी 63 प्लस 7 यानी कितना 70 किलोमीटर पर हो गया आंसर। ये दोनों हमारे आंसर हो गए लेकिन अब एक और चीज छूटा हुआ है क्या चेक योर आंसर चेक कैसे करेंगे पहले क्वेश्चन पढ़िए करें दोनों मोटरसाइकिल एक समय पे स्टार्ट हो रही है उनके बीच का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है ठीक है तो हम ये निकाल के देखते हैं कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो 2 घंटे में कितना दूर जाता है जो भी है 70 किलोमीटर के स्पीड से अगर 2 घंटे में जितना दूरी तय कर रहा है ए और फिर 63 किलोमीटर के स्पीड से बी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो और प्लस 34 पूरा मिलकर 300 किलोमीटर आ रहा है या नहीं है ना यही ना तो चेक में क्या करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय एज कॉन्ट कितना हो जाएगा जी इसका स्पीड कितना है 70 कवर्ड इन 2 आवर बाय ए कितना हो जाएगा 70 इनटू 2 यानी कितना हो जाएगा 140 किलोमीटर और बाय बी कितना हो जाएगा 63 इनटू 2 यानी 126 किलोमीटर पर आवर अब जोड़ सर किलोमीटर भाई इसलिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी कितना हो जाएगा 140 plus 126 ठीक है अब यहाँ पे देखिएगा अब क्वेश्चन में एक और चीज बोला हुआ है यहाँ पे कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देम आफ्टर 2 आवर्स देयर स्टार्ट्स इज 34 यानी जहाँ से वो स्टार्ट किए थे तो 2 घंटे बाद उनके बीच का डिस्टेंस 34 किलोमीटर बच गया है। अब ए कुछ दूर गया इधर से और बी कुछ दूर आया इधर से तो उनके बीच दोनों का द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई 266 ना तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है इसलिए डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा 300 टोटल डिस्टेंस माइनस इनके द्वारा तय की गई दूरी 266 34 आएगा तो करेक्ट है आ जा रहा 34 किलोमीटर तो 66 वो भी हो जाता 300 वैसे भी करो अब तुम लोग बोल दिया तो पहले लोग चेक कर लो इसमें सोचे कि हम कुछ क्या इसमें क्या लगा वो भी है सेम ही है यस सर हो गया।